हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि पिंपल, एक्ने या पिगमेंटेशन, और आप हमेशा ही कंफ्यूज रहती हैं कि आप अपने लिए कौन सा सीरम सेलेक्ट करें या कौन सा मॉइस्चराइजर सेलेक्ट करें जो कि आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल हो और आपको इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा मिले, आपके फेस पे पिंपल ना निकले, पिंपल के मार्क्स ना पड़े या एक्ने ना हो या पिगमेंटेशन जो है वो रिमूव हो जाए, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कुछ ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट जो कि आपकी इन प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन पे एक्ने है या आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या पिंपल की प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से है ये स्किन केयर प्रोडक्ट तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरे वीडियो उसके नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहूंगी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्ने, पिंपल या पिगमेंटेशन की, या एक्ने के मार्क्स या पिंपल के मार्क्स की। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम है और आप ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं तो आपको पता ही होगा कि चाहे एक्ने हो, पिंपल हो, पिगमेंटेशन हो या इनके मार्क्स हो, ये बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होते हैं, ये आसानी से आपकी स्किन से नहीं जाएंगे। तो अगर आप चाहती हैं कि ये आपकी स्किन से चले जाएं तो सबसे पहला तो आपको ये काम करना है कि आपको अपना जो स्किन केयर है उस पर ध्यान देना होगा कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं क्या वो आपकी स्किन की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग है, क्या वो आपकी स्किन की प्रॉब्लम को टारगेट कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आपको पिंपल है और आप प्रोडक्ट कुछ और यूज़ कर रही हैं तो वो प्रोडक्ट पिंपल के लिए तो काम नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले यही डिसाइड करिए कि जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रही हैं वो आपकी स्किन की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग है या नहीं। दूसरी बात, अगर आप चाहती हैं कि आपको पिंपल, एक्ने, इन सब से छुटकारा मिल जाए तो आपको इनसे छुटकारा एक दिन में तो नहीं मिलने वाला है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। मेरी स्किन पिंपल प्रोन है, एक्ने प्रोन है और फिलहाल अभी मेरी स्किन आप देख सकते हैं, मेरी स्किन काफ़ी क्लीन और क्लियर है। मैंने कोई भी मेकअप, बेस मेकअप अप्लाई नहीं किया है, यहाँ तक कि मैंने कॉम्पैक्ट भी यूज़ नहीं किया है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपको पिंपल, एक्ने या पिगमेंटेशन से प्रॉब्लम मिल जाए या इनके मार्क्स से प्रॉब्लम मिल जाए तो आपको जो स्किन केयर प्रोडक्ट हैं उन्हें एक सही टाइम देना होगा, उन्हें रेगुलर यूज़ करना होगा। अगर आप उन्हें इनफ टाइम नहीं देती हैं तो प्रोडक्ट आपके लिए कतई बेनिफिशियल नहीं होंगे, बस आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आपने अपने पैसे वेस्ट कर दिए। तो अगर आपको प्रोडक्ट यूटिलाइज करने हैं या अपने जो भी प्रॉब्लम है उन्हें दूर करना है तो प्रोडक्ट को आपको सही तरीके से और एक इनफ टाइम देके यूज जरूर करना है। तो आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना है अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाए। तो आई थिंक बातें बहुत हो गई हैं, अब एक एक करके मैं सारे प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मॉइस्चराइजर। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हमारी स्किन एक्ने प्रोन होती है, पिंपल प्रोन होती है तो हम मॉइस्चराइजर में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए जो हमारी स्किन के लिए अच्छा हो, लाइट वेट हो और पिंपल और एक्ने को हर्ट ना करे बट उसे क्योर भी करे। तो उसके लिए मेरे पास सबसे पहला मॉइस्चराइजर है पिरेने कॉस्मेटिक से और ये है इनका ऑयल कंट्रोल क्लैरिफाइंग मॉइस्चराइजिंग जेल जो कि है टी ट्री एक्सट्रैक्ट के साथ और ये आपके एक्ने को रिड्यूस करता है, एक्ने के मार्क्स को भी रिड्यूस करता है और साथ ही साथ आपकी स्किन को हील भी करता है। इसका जो प्राइस है वो है 900 रुपीज़, जिसमें आपको 50 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है और ये प्रोडक्ट ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है तो आप इस प्रोडक्ट को ईजिली यूज कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है और फिर भी अगर आपको एक्ने हो रहे हैं तो आप इस मॉइस्चराइजर को यूज कर सकती हैं। अब जब भी हमें एक्ने होते हैं, पिंपल होते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी स्किन जो है वो ऑयल फ्री होनी चाहिए। तो फेस वॉश ने अपना काम कर दिया बट उसके बाद आपको एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर भी यूज करना चाहिए जो कि जेल बेस्ड होना चाहिए, जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट हो जो आपकी स्किन पे अच्छा सा काम भी करे लेकिन आपकी स्किन को बिल्कुल भी ऑयली, ग्रीसी या चिपचिपा ना बनाए, आपकी स्किन पे लाइट वेट हो, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हो और हर केमिकल से फ्री हो। तो आप इस मॉइस्चराइजर को ट्राई कर सकती हैं, आपको ये मॉइस्चराइजर
मॉइस्चराइजर बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये लाइट वेट है और साथ ही साथ आपकी स्किन को हील और रिपेयर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपके एक्ने को भी क्योर करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आप अपने लिए एक अच्छा मॉइस्चराइजर सर्च कर रही हैं तो आप इस मॉइस्चराइजर को ट्राई कर सकती हैं। अब बारी आती है हमारे सेकेंड मॉइस्चराइजर की। तो सेकेंड मॉइस्चराइजर है ग्रेजिया आपका एंटी एक्ने जेल। ये खास जेल है जो कि आपके एक्ने को टारगेट करता है। तो अगर आपके फेस पे एक्टिव एक्ने हैं, एक्टिव पिंपल हैं, तो आप इस जेल को ट्राई कर सकती हैं। इसका जो प्राइस है वो है 499 रुपीज़ और इसमें आपको जो प्रोडक्ट क्वान्टिटी मिलती है आई थिंक 30 ग्राम, हाँ इसमें आपको प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है 30 ग्राम की। और ये प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। ये पैराबेन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, सल्फेट फ्री है, मतलब क्रूल्टी फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और साथ ही साथ जेल फॉर्म में है, जैसा कि आप यहाँ से बॉटम से देख सकती हैं क्लियर जेल है। तो ये आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल है। आज मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए यही जेल यूज़ किया था इस वीडियो से पहले और सिर्फ मैंने यही जेल यूज़ किया है अपने फेस पे। बहुत ही अच्छा जेल है। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो आप इसे ट्राई जरूर करिएगा। वैसे एक पॉइंट मैं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप चाहें तो आप इससे स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह भी यूज़ कर सकती हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को फुल फेस पे यूज़ करना ना पसंद आए इस जेल को, वैसे आप इसे फुल फेस पे यूज़ कर सकती हैं, ये मॉइस्चराइजर ही है। बट फिर भी अगर आप चाहती हैं कि आपके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो तो आप फुल फेस पे यूज़ करने के बाद स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह भी यूज़ कर सकती हैं। जहाँ पे आपको पिंपल या एक्ने की प्रॉब्लम हो वहां पे आप एक्स्ट्रा क्वांटिटी यूज कर सकती हैं, आपको ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आएगा। इसका जो रिजल्ट है वो आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही दिख जाएगा अगर आप इसे नाइट में यूज करती हैं तो, क्योंकि मैंने इसे यूज किया है, मुझे पता है कि हाँ ये प्रोडक्ट कैसा काम करता है। ये जेल है, एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ आता है, हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है, केमिकल फ्री है, तो एक्ने प्रोन स्किन वाले इसे इजीली यूज कर सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएगा। अब मॉइस्चराइजर तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, बात कर लेते हैं कुछ सीरम की भी, क्योंकि जब सीरम की बात आती है तो आजकल सीरम का वैसे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड हो गया है यूज़ करना, और सीरम हमारे स्किन के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल भी होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, लिक्विडी होते हैं, जिससे कि वो हमारी स्किन में बहुत अंदर तक पेनिट्रेट हो जाते हैं। उनका जो वर्क होता है वो अंदर से स्टार्ट होता है और वो हमारी स्किन को काफ़ी अच्छे से हील और रिपेयर करते हैं। इसलिए सीरम यूज़ करना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आप 20+ हैं तभी सीरम यूज़ करिए, क्योंकि 20 के बिलो वालों को तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो 20+ हैं तभी आप यूज़ करें तो आपके लिए ज़्यादा सही होगा, मेरे ओपिनियन। जेल के इंग्रेडिएंट लिस्ट के बारे में नहीं बताया, तो इसमें आपको मिल जाता है सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड और नियासिनामाइड या नायसिनामाइड, आप जो भी कहते हो। तो आपको पता ही होगा इन इंग्रेडिएंट को सुनने के बाद कि ये आपकी स्किन के लिए कितने ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब बारी आती है हमारे सीरम की। तो सबसे पहला सीरम है सिरोना से और ये है इनका एंटी एक्ने फेस सीरम, जो कि है ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल। आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे इजीली यूज कर सकती हैं। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में आपको मिल जाता है सैलिसिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल, हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन ई। इसका जो प्राइस है वो है 599 रुपीज़, जिसमें कि आपको 30 ml की प्रोडक्ट क्वान्टिटी मिलती है। और अगर मैं इस सीरम की बात करूँ तो पर्सनली मुझे ये सीरम बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और इसे यूज़ करने के मतलब इंस्टेंट ही आपको पता चल जाता है कि आपने एक हाइलुरोनिक एसिड वाला सीरम यूज़ किया है और आपको आपकी जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्लम्पी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और ऐसे ग्लोई हाइड्रेटेड सी लगने लगती है। फिलहाल मेरी आंखें कुछ ज़्यादा ही चमक रही हैं बट ये बात सच है, जब भी आप कोई हाइलुरोनिक एसिड वाला प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन जो होती है वो इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा प्लम्पी हाइड्रेट दिखने लगती है। सेम इस सीरम के साथ भी होता है, ये आपके एक्ने को ट्रीट करने के साथ साथ आपकी स्किन को हील और रिपेयर करने का भी काम करती है। तो बहुत ही अच्छा सीरम है, अगर आप ट्राई करना चाहती हैं तो आप ट्राई। मैंने इस सीरम को ऑलमोस्ट हाफ फिनिश कर दिया है क्योंकि मुझे ये सीरम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। आप इसे समर सीजन में भी इजीली यूज़ कर सकती हैं क्योंकि ये सुपर लाइट वेट है, सीरम है, लाइट वेट है, तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकती हैं, आपको ये सीरम बहुत पसंद आएगा।
नेक्स्ट है सीरम है हर्ब टॉनिक प्रोफेशनल से, और ये है इनका स्किन सीरम जो कि है जूनिपर और विटामिन सी एंड विटामिन ई के साथ, और ये सीरम है ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल। आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे इजीली यूज कर सकती हैं। इसका जो प्राइस है वो है 580 रुपीज, जिसमें आपको 100 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है और ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। और अगर मैं इस इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करूँ तो इसमें आपको कई सारे इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं जो कि मैं बहुत पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसमें आपको एलोवेरा, ग्लिसरीन, विटामिन सी, विटामिन ई, जूनिपर, ऐसे कई इंग्रेडिएंट मिलते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल हैं और ये आपकी स्किन को हील और रिपेयर करते हैं। हील और रिपेयर से मेरा सेंस ये है कि अगर आपके फेस पे पिंपल है या एक्ने हैं तो उन्हें टारगेट करने का काम करते हैं, उनके जो बैक्टीरिया हैं उन्हें किल करने का काम करते हैं, और साथ ही साथ आपकी स्किन को अंदर से हील करते हैं, जिससे कि आपकी स्किन जो बहुत ज़्यादा डल टायर्ड हो गई है वो दूर हो जाए और आपकी स्किन सॉफ्ट, स्मूथ, प्लम्पी और ग्लोइंग बन जाए। सीरम का काम यही होता है कि सीरम आपकी स्किन, क्योंकि ये सबसे पहला प्रोडक्ट होता है जब हम यूज़ करते हैं, तो ये आपकी स्किन में काफ़ी अंदर तक जाता है और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से पैम्पर करता है। और जहाँ तक रही बात इस सीरम की, तो इसे यूज़ करने के बाद मैंने ऐसा रियलाइज किया है कि मुझे एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरी स्किन ऑयली है तो मेरे लिए ये मॉइस्चराइजर जो है वो इनफ होता है इसका मॉइस्चराइजेशन। वैसे ये बिल्कुल भी थिक नहीं है, हैवी नहीं है, बट फिर भी क्योंकि इसमें विटामिन ई है, ग्लिसरीन है, इसकी वजह से मेरे लिए ये इनफ मॉइस्चराइजेशन भी प्रोवाइड करा देता है, तो मुझे एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो क्योर भी करता है, हील भी करता है, रिपेयर भी करता है, मॉइस्चराइज भी कर रहा है, तो एक प्रोडक्ट और इतने सारे काम, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अब बारी आती है हमारे इस वीडियो के लास्ट प्रोडक्ट की, जो कि है एसटी बोटानिका का अल्फा हाइलुरोनिक एसिड डी पिगमेंटेशन फेशियल सीरम। तो फिलहाल ये फेशियल सीरम जो है वो आपके पिगमेंटेशन को टारगेट करने का काम करता है। अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है या हाइपर पिगमेंटेशन है तो आप इस फेस सीरम को इजीली ट्राई कर सकती हैं। इसका जो प्राइस है वो है 1499 रुपीस, जिसमें आपको 20 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे इजीली यूज कर सकती हैं। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा प्राइसी है, बट मैंने जब इस प्रोडक्ट को बाय किया था तो आई गेस मैंने 1000 के अराउंड कुछ पे किया था, तो आप सेल भी बाई कर सकती हैं और इस टाइम सेल तो हर जगह चल रही हैं, तो आपको इससे कम प्राइस में इजीली मिल जाएगा। और जहाँ तक रही बात अवेलेबिलिटी की, तो आप इसे नायका, फ्लिपकार्ट, एमेजोन, पर्पल कहीं से भी बाई कर सकती हैं या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी बाई कर सकती हैं। सीरम की अगर मैं बात करूँ, सीरम बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, क्विक अब्जॉर्ब है, बहुत जल्दी आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। और जहाँ तक रही बात काम करने की, फर्स्ट वीक से ही आपको इसका विजिबल रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ, अगर आप चाहती हैं कि ये आपके लिए बेनिफिशियल हो और आपको इसका रिजल्ट दिखे, तो कम से कम इसे आपको एक वीक तक रेगुलर यूज़ करना होगा, क्योंकि जब मैंने इसे फर्स्ट डे यूज़ किया था तो मेरे लिए ये बेनिफिशियल हुआ था, बट इसका सही रिजल्ट देखने के लिए आपको कम से कम एक वीक तक यूज़ जरूर करना होगा, तभी आप जज कर सकती हैं कि प्रोडक्ट आपके लिए काम कर रहा है या नहीं। और जहाँ तक रही बात इस प्रोडक्ट को यूज़ करने की, तो अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है तब भी आप इसे इजीली यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और बिल्कुल ऑयल फ्री है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए आपके लिए कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, पिंपल की प्रॉब्लम है, या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, या डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है, तो आप इन प्रोडक्ट को, इन मॉइस्चराइजर और सीरम को ईजिली यूज़ कर सकती हैं। आपको ये सारे बाई करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपको इनमें पसंद आए आप उसे बाई कर सकती हैं। बस एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि प्रोडक्ट सा, चाहे जो भी आप बाई करिए, सारे ये प्रोडक्ट में कुछ प्लस और कुछ माइनस पॉइंट होते हैं। सिर्फ आपके देखने की ज़रूरत है कि आप उसे किस नज़रिए से देख रही हैं, कि
माइनस वाले नजरिए से या फिर प्लस वाले नजरिए से। किसी भी प्रोडक्ट को जज करने से पहले ये जरूर देख लें कि आपने उस प्रोडक्ट को इनफ टाइम दिया है या नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए तो अच्छा ही नहीं है। इसलिए प्लीज प्रोडक्ट को सही तरीके से यूज करिए, इनफ टाइम दीजिए और उसके बाद जज करिए कि प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। बी हैप्पी एंड टेक केयर। बाय।